हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर या कुछ एंगल पर एंटर करता है तो उसका पाथ क्या होगा, और अगर एक चार्ज क्यू है उससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले तो कैसे फाइंड की जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। क्लियर? तो पिछले लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें अगर चार्ज पार्टिकल कहीं भी रखा जाए तो हर जगह पर लगने वाला फोर्स सेम होता है, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होती है। और अगर मान लो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स सेम नहीं है, यानी कि हो सकता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो डायरेक्शन अलग होंगी, या डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड अलग होंगे, या दोनों ही डिफरेंट होंगे, तो ऐसे फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्लियर होगी बात? अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो मैं आपको बता देता हूं कि रिप्रेजेंटेशन अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, यानी इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ये क्या है? इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? देखिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम पैरेलल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होगी कि उनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होगा। यहां तो आप देख रहे हैं पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में अगर हम पैरेलल लाइंस ले रहे हैं तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम सेम नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर ये डिस्टेंस कम हो गया, उसके बाद फिर ये डिस्टेंस कम हो गया, या फिर और हम देखें तो ये डिस्टेंस और भी हमने कम कर दिया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, या तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर आप लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो कर्व होगा। क्या होगा? कर्व, इस तरीके से, यानी कि ये फील्ड लाइंस हैं इस टाइप से, ये पैरेलल नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नॉन पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर अगर पैरेलल लाइन से करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगी बात? अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम चर्चा कर चुके हैं कि यहां पर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो कहीं भी आप क्यू कूलम का चार्ज रख दीजिए उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में, ये जो एरो शो कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। कहीं भी आप एरो बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ही डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन। ये मान लो क्यू कूलम का चार्ज, अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म है, और मैंने कहा कि फील्ड और इंटेंसिटी दोनों अलग अलग चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है कि एक फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो मान लीजिए कि यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वन कूलम पॉजिटिव चार्ज यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रखो, हमेशा फोर्स कितना लगेगा ई, कौन सी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। तो Q कूलम पर कितना लगेगा, Q इंटू ई, किधर, फोर्स की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन, तो ये Q इंटू ई। अगर मैं यहां रखूंगा तब भी फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई, यहां पर रखूंगा तब भी फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई। कहीं भी आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए तो फोर्स हमेशा Q इंटू ई होगा, यानी कि फोर्स सेम होगा, इक्वल होगा। फोर्स में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड Q इंटू ई और डायरेक्शन सेम। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं होता। मतलब कि एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज अगर आप अलग अलग प्लेस पर रखते हैं, यहां पर रख रहे 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 हैं, तो फोर्स जो है वो सेम नहीं होगा। यहां पर मान लो एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज फोर्स फील कर रहा है ई वन, कौन सी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन, तो फील्ड की डायरेक्शन ये है। यहां पर क्या वो ई वन ही करेगा, नहीं, क्योंकि यहां पर फील्ड अलग है, क्योंकि ये कैसा फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म, तो यहां पर मैग्नीट्यूड अलग होगा। तो मान लो ये फोर्स कितना है, वन कूलम के द्वारा ई टू, यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, मान लो ई थ्री, यहां पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, ई फोर। ये एक कूलम पर लगने वाले फोर्स हैं इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। तो हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है वो तो सभी क्या है, डिफरेंट, बट डायरेक्शन सबकी क्या है, सेम। यहां पर जो फोर्स लग रहा है, यहां पर फोर्स इस वाले डायरेक्शन में,
यहां भी फोर्स उसी डायरेक्शन में, यहां भी फोर्स उसी डायरेक्शन में, यहां भी फोर्स उसी डायरेक्शन में। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सभी क्या है अलग अलग। क्लियर होगी बात? तो ये कैसा फील्ड हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। अगर मान लो क्यू कूलम का चार्ज रख दिया जाए यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो फोर्स कितना लगेगा? एक कूलम पर लग रहा है E1, तो कितना लगेगा? QE1। ये कितना हो जाएगा? QE2, क्योंकि एक कूलम पर कितना है? E2। यहां कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा QE3, QE3, और इसी तरह से ये हो जाएगा QE4। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग सॉरी फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर अगर क्यू कूलम का चार्ज रख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड क्या है? सभी अलग अलग। ये QE1, QE2, QE3, QE4, क्योंकि E1, E2, E3, E4 ये सब डिफरेंट है, बट डायरेक्शन क्या है सबकी? सेम। सबकी डायरेक्शन सेम है। अच्छा, और अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर मान लीजिए हमने चार्ज रखा, यहां पर हमने चार्ज रखा, यहां पर हमने चार्ज रखा, तो हो सकता है कि मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक एक कूलम का चार्ज आपने सब जगह रखा, सबने इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स फील किया, कितना? E। तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा? ये लगेगा Q into E। ठीक। अच्छा जी, यहां पर लो, यहां पर भी फोर्स कितना लगेगा? Q into E। यहां पर फोर्स कितना लगेगा? Q into E। तो इसमें क्या देख रहे हैं आपकी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग। देखो इसमें डायरेक्शन ऐसे, इसमें डायरेक्शन ऐसे, इसमें डायरेक्शन ऐसे। तो ये कैसा फील्ड हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हैं। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फोर्स की सेम रहेंगे क्यू चार्ज पर। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों अलग अलग भी हो सकती है। मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन अलग होंगे, डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड अलग होंगे। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक चीज और होती है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर इतनी सारी लाइंस को यानी 1, 2, 3, 4 इतने रीजन में 4 लाइंस को रिप्रेजेंट किया है, और अगर मान लो मैं इन लाइंस को क्लोज क्लोज बना दूं तो इससे क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? क्या फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है? क्यों जी, सोचिए। मैंने यहां पर इतने रीजन में 4 लाइंस बनाई है और मैंने यहां पर उतने ही रीजन में मान लो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का जितना भी है उतना ही डिस्टेंस मैंने ये लिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 4 times हो गए, सॉरी 2 times हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर फील्ड लाइंस किसी रीजन में आपको पास पास नजर आ रही है, फील्ड लाइंस अगर किसी रीजन में आपको पास पास नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस जगह पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मतलब कि अगर आपने एक रीजन ऐसा लिया जहां पर फील्ड लाइंस पास पास है, एक रीजन ऐसा लिया जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को चाहे यहां रखिए चाहे यहां रखिए, कहीं भी रखिए दोनों में से, तो आप क्या देखेंगे कि जहां फील्ड लाइंस दूर दूर हैं उस रीजन में 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स कम होगा, और जहां पर फील्ड लाइंस पास पास हैं तो वहां 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। बात क्लियर हुई नहीं हुई? अरे क्लियर हुई नहीं हुई। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं तो वहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं तो वहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वाले फील्ड में, इस वाले फील्ड में दोनों में से बताइए स्ट्रांग फील्ड कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये वाला। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर मैंने ये लिया एक चार्ज क्यू कूलम, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ये देखिए ये ऐसे जा रही है इस टाइप से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से बाहर निकल रही है क्यू कूलम चार्ज से। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है क्या? सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम है क्या? मेरा कहने का मतलब यहां पर डायरेक्शन सेम हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की होती है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो यहां एक कूलम का चार्ज रखोगे, यहां भी एक कूलम का चार्ज रखोगे, तो उस पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो तो दोनों पॉइंट पर सेम है, बट क्या 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज इक्वल फोर्स फील करेगा? नहीं करेगा। यहां पर ज्यादा करेगा, यहां पर कम करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मान लो आपने इतना बड़ा रीजन कंसीडर किया है और इतना बड़ा ही रीजन आपने यहां पर कंसीडर किया, तो दोनों रीजन में आप क्या देख रहे हैं? इस रीजन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन फील्ड लाइंस जा रही हैं, और यहां पर 1, 2, 3 इतने रीजन से 3 फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस चार्ज के आसपास का जो रीजन है उसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही हैं,
और इस चार्ज के जो आसपास का रीजन है उसमें से कम फील्ड लाइन जा रही है, तो हम कहेंगे यहां पर फील्ड स्ट्रांग है और यहां पर फील्ड पुअर है। तो ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रीजन हो गया, ये कम यानी कि लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रीजन हो गया। तो एक चीज क्लियर है कि चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वैसे वैसे जो फील्ड लाइन्स है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, आप ऐसा देख रहे हैं इतने से रीजन में यहां से जा रहे हैं 8 और यहां से जा रहे हैं 3, तो रीजन तो जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है, और भी अगर आप ज्यादा आगे चलोगे तो ये तो पता चला कि यहां से केवल दो ही लाइन निकलेंगी आगे। तो यानी कि चार से दूर जाएंगे तो इक्वल अगर आप एरिया ले रहे हैं तो इक्वल एरिया से निकलने वाली फील्ड लाइन्स का नंबर घटता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चार से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी मैंने एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दिया है, बाकी हम फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करेंगे। तो सॉरी, मैं पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद में बताऊंगा कि पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर दूरी पर जाने पर कितना फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये भी प्रॉपर्टी का एक पार्ट था जो अभी मैंने बताया है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन हमेशा किधर जाएंगी, बाहर। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब पिछले लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है हमारा कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन हमेशा बाहर निकलती हैं। कहां तक जाती है, इंफिनिटी पर जाकर के टर्मिनेट होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइन इंफिनिटी से आकर के टर्मिनेट होती है। ये सारी चर्चा हम कर चुके, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। इंफिनिटी से आएंगी, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएंगी। दूसरी जो बात है कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज अगर पास पास लाए जाएं तो यहां से हम देखेंगे फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव में इस तरीके से एंटर करती है, करती है नहीं करती, पढ़ा हुआ है पहले भी, एंटर करती है। तो इस टाइप से हम यहां पर देखेंगे कि जो फील्ड लाइंस हैं वो इस टाइप से इसमें एंटर करेंगी, क्लियर हो गया। ये यहां से बाहर निकलेंगी, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से फील्ड लाइंस का जुड़ना, इसकी वजह से क्या होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कि अट्रैक्शन आएगा, तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि दो चार्जेस के बीच फील्ड लाइंस जो है वो लिंक कर रही है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन इज देयर। क्या कहलाएगा ये, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन इज देयर। अगर मान लीजिए हम लाइट चार्जेस लेते हैं, जैसे या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो आपने पढ़ा हुआ है कि इनमें से फील्ड लाइंस बाहर आएंगे, मतलब इस तरह से आएंगे, तो जैसे ये लाइन इधर चलेगी, इधर चलेगी, तो इसको इधर प्रेशर डालेगी, इधर प्रेशर डालेगी, तो फाइनली अगर हम देखें तो यहां पर जो फील्ड लाइंस हैं वो इस टाइप से हो जाती है। ये फील्ड लाइंस जो हैं वो इस टाइप से इसमें जाएंगी, क्लियर, इस टाइप से निकलेंगे, ये चार्ज से बाहर जा रहे हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। ये मान लो चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, क्लियर, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। तो इसको हम देख रहे, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो एक दूसरे पर प्रेशर डाल रही है, इधर से निकलने वाली लाइन ऑफ फोर्स इसको इधर प्रेशर डाल रही है, ये इसको इधर प्रेशर डाल रही है, इसको बोलते हैं हम लैटरल प्रेशर। क्या बोलते हैं हम, लैटरल प्रेशर इज देयर, लैटरल प्रेशर इज देयर। देखिए आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि ये दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, क्या है, लाइक चार्जेस। तो अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस में आपको एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि यहां पर लाइंस का एक दूसरे पर प्रेशर आ रहा है, तो लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, यानी कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है
कहीं एक जगह पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिस पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे तो जीरो, यानी कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि अगर आप वहां पर कोई भी चार्ज रखते हैं, वन कूलम, टू कूलम, जो आपकी इच्छा है, जितना भी चार्ज रखते हैं उस चार्ज पर कोई भी फोर्स फील नहीं होगा, यानी कि वो चार्ज किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में। किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में। मैंने जब इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम डिस्कस की थी तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि लाइट चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर इक्विलिब्रियम आएगी। तो वो पॉइंट कहां होगा वो हमने क्वेश्चन में फाइंड किया था कि भाई ये पॉइंट किस जगह पर जाएगा जहां पर कि इक्विलिब्रियम आ जाए। तो इस जगह पर भी क्या होगा, क्योंकि लाइट चार्जेस तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर चार्ज को आप रखोगे तो वो किसमें आएगा, इक्विलिब्रियम। ऐसे पॉइंट को इस जगह पर न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रल पॉइंट। यानी कि दो लाइट चार्जेस के बीच में एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर लाइट चार्जेस हैं तो हमेशा एक न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब दोनों लाइट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, यानी कि वहां पर कोई भी चार्ज रखोगे तो लगने वाला फोर्स जीरो होगा। अब बात आती है कि वो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा। अगर Q1 Q2 के बराबर है, अगर Q1 Q2 के बराबर है तो ये न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्टली मिडिल में होगा। कहां पर होगा? एग्जैक्टली मिडिल में होगा। याद करिए पिछली जो इक्विलिब्रियम वाली प्रॉब्लम्स थी, उसमें मैंने कराया था कि एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q है, तो बताइए तीसरे चार्ज Q को कहां रखा जाए जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमने कितना माना था, एल। तो हमने देखा था कि मान लो इस वाले चार्ज से एक्स दूरी पर हमने चार्ज को रख दिया बीच में, तीसरे चार्ज को, जो कि किसमें है, इक्विलिब्रियम में, तो x कितना आया था, एल वाई टू। कितना आया था, एल वाई टू, यानी एग्जैक्टली मिडिल में न्यूट्रल पॉइंट आएगा अगर ये Q1 और Q2 चार्जेस इक्वल है। क्लियर होगी बात? अरे आया था नहीं आया था? आया था ना क्वेश्चन, आप लोगों ने किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों चार्जेस बराबर है Q1 Q2 तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्टली मिडिल में आया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो क्या थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू ही होना चाहिए? ऐसा नहीं है। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि अगर ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एग्जैक्टली मिडिल में आप चाहे क्यू रखो या माइनस क्यू रखो या कितना भी मैग्नीट्यूड रखो, हमेशा फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी कितनी है, जीरो। इंटेंसिटी जीरो यानी एक कूलम पर लगने वाला फोर्स जीरो, तो क्यू कूलम पर लगने वाला फोर्स जीरो। क्लियर होगी बात? अगर मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस क्यू वन क्यू टू इक्वल नहीं है तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? हमेशा ध्यान रखिए कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, यानी कि जो चार्ज छोटा है, न्यूट्रल पॉइंट उस छोटे चार्ज की तरफ आएगा। जैसे मैंने कहा कि Q1 मान लो Q कूलम और ये है 4 कूलम, कितना है इसको Q1 इक्वल टू Q कूलम, इसको मान लो 4 Q कूलम, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा, Q1 के पास। अरे आएगा नहीं आएगा? याद करो वहां भी मैंने क्वेश्चन कराया था कि एक डिस्टेंस, सॉरी एक चार्ज Q, एक चार्ज कितना था 4Q, बीच का डिस्टेंस L, तो बताइए कहां आएगा न्यूट्रल पॉइंट। तो Q से हमने x दूरी पर जाकर के देखा था तो हमने फाइंड किया था x कितना आ रहा था, शायद LY3 कुछ ऐसे ही आया था, देख लेना कैलकुलेशन उसकी। तो इसका मतलब LY3 पर आया, कहां से, Q से। तो LY3 पर आया तो मतलब Q के पास आया। तो जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा होता है, जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा होता है, हमेशा न्यूट्रल पॉइंट उस चार्ज के क्लोज आता है। देखिए छोटी छोटी सी बातें आप अगर इनको याद रखोगे तो न्यूमेरिकल्स करने में आपको ज्यादा आसानी रहेगी, इसीलिए इन चीजों को यहां पर बताया जा रहा है। ये पूरी चर्चा हो गई इसके बारे में। अब देखिए अगली जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब भी रिप्रेजेंट की जाती है, पहली प्रॉपर्टी होगी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी जगह पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, मैंने कहा था यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, मैंने कहा था यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट पर फील्ड पर डाली गई टेंजेंट के अलोंग होती है। तो देखो ये फील्ड लाइन है, यहां पर अगर मैं आपसे इंटेंसिटी की डायरेक्शन पूछ रहा हूं, क्योंकि इंटेंसिटी तो वेक्टर है, तो वेक्टर के तो डायरेक्शन होती है, तो यहां टेंजेंट डालो भाई, तो टेंजेंट इधर की तरफ जाएगी, यानी उसी सेंस में लेंगे टेंजेंट हम, जैसे कि ये ऐसे जा रही है लाइन, तो टेंजेंट भी उसी सेंस में आगे की तरफ, ऐसा नहीं कि पीछे की तरफ। क्लियर होगी बात? यहां बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो यहां टेंजेंट डालेंगे तो वो ऐसे जाएगी, यहां बताइए किधर जाएगी, तो वो टेंजेंट इस तरीके से जाएगी। नहीं आया समझ? क्लियर हो गया ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट कहलाती है। अच्छा जी, अगर मान लो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि यहां पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, मान लो इंटेंसिटी कितनी है यहां पर E1, यहां पर इंटेंसिटी E2, यहां पर इंटेंसिटी E3, यानी कि एक एक कूलम पर ये लगने वाले फोर्स हैं। E1 क्या है, यहां 1 कूलम का चार्ज रखो तो E1 न्यूटन फोर्स लगेगा, यहां पर रखेंगे 1 कूलम चार्ज तो E2 न्यूटन, यहां पर रखेंगे तो E3 न्यूटन। सोचो कि अगर मैं यहां पर Q चार्ज रख रहा हूं तो यहां फोर्स कितना लगेगा, Q into E1, अरे लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। यहां पर कितना लगेगा, Q into E2, यहां पर कितना लगेगा, Q into E3। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्स की जो वैल्यूज हैं ये अलग अलग हैं। तो ये फील्ड लाइन कैसी है, कैसे फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म को, और वैसे भी नॉन यूनिफॉर्म को ही करेगी क्योंकि कर्व लाइन है। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो कर्व लाइन होती है कैसा फील्ड रिप्रेजेंट करती है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट करती है। बात क्लियर होगी। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आपने ध्यान दी होगी, मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या बोला है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह लो, कई सारी अगर लेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये इसका दूसरा नाम है। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कह सकते हैं, एक ही बात है। इस लाइन को आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं या फिर इस लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह सकते हैं। हम इसको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्यों कह सकते हैं, क्या रीजन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर हम क्यू चार्ज पर फोर्स देखें तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में आता है। नहीं आई बात समझ में? तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने बनाई, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने बनाई, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर आप कहीं भी चार्ज को रखेंगे, क्यू कूलम को, तो उस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसलिए हम यहां पर इस फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर, वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की होती है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे, वहां भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पढ़ोगे, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं कहते। ये बात बिल्कुल यहां पर क्लियर कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर, तो वहां अगर मान लो क्यू कूलम का चार्ज उस पॉइंट पर मूव कर रहा है तो वहां पर जो फोर्स लगेगा उस क्यू चार्ज पर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कह सकते, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर होगी बात। तीसरी बात यह है, कभी भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे मैंने कहा कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, मान लो कि मैंने दो चार्ज लिए, एक चार्ज लिया क्यू वन, दूसरा चार्ज लिया मैंने क्यू टू, मैंने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो देखो इसकी वजह से, यानी कि मान लो कि यहां एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज रख लिया, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो तो इधर लगेगा, मान लो ई वन, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है, मान लो ई टू। तो इस जगह एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा है, क्या रखा है, वन कूलम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर होगी बात। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे जाएगा, दिस इज ई नेट, दिस इज ई नेट। तो ये जो डायरेक्शन आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों Q1 Q2 चार्जेस की वजह से जो नेट फील्ड आया इस जगह पर उसकी डायरेक्शन ये है, यानी कि अगर मान लो इन दोनों की वजह से जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा स्पेस में, मतलब इसके आसपास इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वो फील्ड लाइन यहां से पास होगी तो उस पर टेंजेंट किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो उसके आसपास जिन चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उन चार्जेस का रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, अब आपको क्या पता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहां बन रही है ये किस तरह के चार्जेस से प्रोड्यूस होकर आ रही है, क्या ये एक ही सिंगल चार्ज ने प्रोड्यूस किया है या एक ग्रुप ऑफ चार्जेस ने प्रोड्यूस किया है। तो मैंने मान लिया कि यहां पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, बट उन ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से मैंने देखा कि यहां पर रिजल्टेंट इधर, यहां पर रिजल्टेंट इधर, यहां पर रिजल्टेंट इधर, या यहां पर रिजल्टेंट इधर, तो उन सभी पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे ऐसा पाथ मिला।
तो मैं कहूंगा कि उन सभी की वजह से जो रिजल्टेंट जो फील्ड लाइन बनी वो ये वाली फील्ड लाइन बनी। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी एक चार्ज ने प्रोड्यूस किया, हो सकता है ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, बट उन ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से मैं अगर अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकाल रहा हूं तो वो डायरेक्शन जो आ रही है, ठीक है, जैसे यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर देखूंगा तो ऐसे, तो इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो मुझे पाथ मिला वो पाथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगा या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाएगा। अगली बात है कि अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लेते हैं स्पेस के अंदर, हमने कई सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस के अंदर ली, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काट सकती हैं? एक लाइन हमने ऐसे भेजी, दूसरी लाइन हमने ऐसे भेजी, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर वन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर टू, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? सोचिए, सोचो क्या कर सकती हैं, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, रीजन क्या है उसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है अगर हम उसके ऊपर कोई भी टेंजेंट लें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है तो वेक्टर की तो भाई साहब एक ही डायरेक्शन होगी, बहुत सारी डायरेक्शन तो नहीं हो सकती। तो अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि यहां बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए देखेंगे तो यहां टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी, तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इस वाले के लिए अगर हम देखेंगे तो यहां पर टेंजेंट ऐसे जा रहे हैं, ये E2 आ गया, तो हम देख रहे हैं कि इस वाली लाइन के हिसाब से अगर हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लें तो विधर जाएगी, और इस वाली लाइन के हिसाब से अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लें तो ये बनी जाएगी। तो आप देख रहे हैं पॉइंट तो एक ही है भाई, पॉइंट तो एक ही है ना, तो इस पॉइंट पर अगर इसके हिसाब से डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे, इसके हिसाब से डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन आ गई। मतलब क्या हुआ इसका, कि यहां पर एक कूलम का चार्ज लग दिया, +1 कूलम का। अब ये लाइन तो कहेगी कि भाई साहब उस +1 कूलम के चार्ज को इधर की तरफ मूव करना चाहिए, कितने फोर्स से, E1 न्यूटन से, और ये वाली लाइन कहेगी कि भाई साहब 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को इधर मूव करना चाहिए, कितने फोर्स से, E2 न्यूटन से। अब इनमें तो झगड़ा हो गया, अभी झगड़ा हो गया, हो सकता है क्या ऐसा कि ये 1 कूलम का चार्ज इधर भी चला जाए और इधर भी चला जाए? नहीं जा सकता, या तो वो इधर जाएगा या फिर वो इधर जाएगा। तो जब 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर दो डायरेक्शन फोर्स की हो ही नहीं सकती, यानी कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो डायरेक्शन आना पॉसिबल नहीं है। अरे आ सकती है क्या, यानी 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज इधर भी चला जाए इधर भी चला जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो जब दो डायरेक्शन में 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज जा ही नहीं सकता तो फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काटेंगी? क्योंकि अगर उन्होंने काटा यानी कि इंटरसेप्ट किया एक पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन आ रही है? दो डायरेक्शन। जबकि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन आना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अरे बात समझ में आई नहीं आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि दो डायरेक्शन एक पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखिए अगला अगर हम पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, नंबर 5, ये अभी वैसे मैंने डिस्कस करके आपको वैसे बता दिया है कि मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है, यहां पर हमने पॉइंट ए लिया है और यहां पर हमने पॉइंट बी लिया है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में शो की हुई है। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आए हुए पूछे गए कॉम्पिटिशन में, तो आपसे पूछ लिया गया है बताओ ए और बी पर अगर हम 1 कूलम का चार्ज रखें, +1 कूलम और यहां भी +1 कूलम, लाइंस ऐसे जा रही हैं, 1 कूलम का चार्ज हम ए पर रखें और बी पर रखें, बताइए किस पर ज्यादा फोर्स लगेगा? अबे 1 कूलम जो फोर्स फील करता है वो तो इंटेंसिटी होती है, और अभी पिछले अभी इसके पहले थोड़ा पहले मैंने बताया है कि जहां पर फील्ड लाइंस पास पास, इतने रीजन में 3 लाइन और इतने रीजन में 1 लाइन, ये मान लो एरिया बराबर है लूप के, तो यहां से 3 लाइन और यहां से 1 लाइन, तो जहां से फील्ड लाइंस ज्यादा जाती है वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फोर्स फील करेगा और यहां पर कम, तो यहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहां पर कम होगी, सिंपल सी बात। तो इंटेंसिटी फोर्स होती है, तो 1 कूलम का चार्ज यहां ज्यादा फोर्स फील करेगा और यहां पर कम, 1 कूलम की जगह Q कूलम रख दिया जाए तो अब क्या होगा? तो बात तो एक ही है, जब 1 कूलम ज्यादा कर रहा है तो Q कूलम भी ज्यादा करेगा,
भाई यहां पर अगर एक कूलम ज्यादा फोर्स फील कर रहा है इससे, तो ये क्यू कूलम भी इससे ज्यादा करेगा। तो पॉइंट ए पर फोर्स ज्यादा होगा और पॉइंट बी पर फोर्स कम होगा, मतलब कि फील्ड लाइन जहां पास पास है वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और फील्ड लाइन जहां दूर दूर होती है वहां पर इंटेंसिटी कम होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए फील्ड लाइन्स होती हैं कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में ही सुना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं सुना। तो मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दो टाइप की होती हैं, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और दूसरी होती हैं नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में? देखिए कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो होती हैं जो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। कैसे? इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समझेंगे। आप उसमें पढ़ोगे कि अगर मान लो हमने कोई भी क्लोज लूप लिया, उस क्लोज लूप की तरफ एक चुंबक को लेके जाते हैं, यानी कि मैग्नेट को हम ले जाते हैं, तो इस क्लोज लूप के अंदर एक करंट दौड़ता है। आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, किसी भी कंडक्टर में करंट तभी दौड़ सकता है जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो। तो आप देख रहे हैं कि इस लूप के अंदर करंट अगर दौड़ा तो वो तभी आ सकता है जब इस लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हुआ हो। हाँ जी, तो अगर इसमें करंट दौड़ रहा है तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा, बट ये क्लोज लूप है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसके अंदर बनेगी वो कैसे बनेगी? क्लोज लूप की फॉर्म में बनेगी। कैसे फॉर्म बनेगी? क्लोज लूप की फॉर्म में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप की फॉर्म में होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और उनके लिए अगर हम इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल करते हैं तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर होगी बात? तो यानी कि अगर हमने किसी भी लूप के लिए, यानी क्लोज लूप के लिए ई डॉट डीएल फाइंड किया, और वो ई डॉट डीएल अगर मान लो नॉन जीरो आ रहा है, तो फिर वो कैसी फील्ड लाइन होंगी? अरे कैसी फील्ड लाइन होंगी? नॉन कंजर्वेटिव। मैंने कहा कि कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। आप इसको प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? कुछ चीजों को कंट्रडिक्शन की हेल्प से प्रूव किया जाता है। जैसे पीछे हमने प्रूव किया हुआ है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो उसमें हमने कंट्रडिक्शन से कैसे प्रूव किया? हमने मान लिया कि करती है, तो फिर हमने प्रूव किया कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आएंगी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी, इंटरसेक्ट दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसे ही हम यहां पर मान लेते हैं, हमने मान लिया कि जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भाई वो भी क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है, हमने मान लिया, जबकि बनाती नहीं है। हमने मान लिया कि क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि अगर क्लोज लूप बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस, तो उनके लिए ई डॉट डीएल क्या आना चाहिए? नॉन जीरो। अरे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस अगर क्लोज लूप बना रहे हैं तो उनके लिए ई डॉट डीएल क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो हमने मान लिया कि नॉन कंजर्वेटिव अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही हैं तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस के लिए ई डॉट डीएल क्या आना चाहिए? नॉन जीरो। लेकिन कंजर्वेटिव के लिए अगर हम निकालेंगे तो कंजर्वेटिव के लिए क्या आना चाहिए? ई डॉट डीएल जीरो। भाई साहब ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि अगर ई डॉट डीएल आप निकाल रहे हैं, अगर ई डॉट डीएल नॉन जीरो आ रहा है तो कैसी होगी? नॉन कंजर्वेटिव। कैसी होगी? नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन अगर ई डॉट डीएल जीरो आ रहा है तो कैसी होगी? कंजर्वेटिव। कैसी होगी? कंजर्वेटिव। अब यहां पर जरा सोचना, हमने क्या किया? हमने यहां पर इस क्लोज लूप को हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रही है। कैसी मानी है हमने? कंजर्वेटिव फील्ड लाइन हमने ऐसा मान लिया है।
ये कंजर्वेटिव फील्ड लाइनर क्लोज लूप बना रही है, तो इसके लिए ई डॉट डीएल कितना आना चाहिए? जीरो। अरे आना चाहिए भाई साहब, अगर ये कंजर्वेटिव है तो ई डॉट डीएल क्या होनी चाहिए? जीरो। और अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है तो ई डॉट डीएल क्या आनी चाहिए? नॉन जीरो। सिंपल सी बात है, हमने मान लिया कि कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने क्लोज लूप बनाया, जबकि मैंने क्या लिखा है कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। मैंने मान लिया कि ये क्लोज लूप बनाती है, तो मैं इसको कंट्रडिक्शन की हेल्प से प्रूव कर रहा हूं। किसकी हेल्प से प्रूव कर रहा हूं? कंट्रडिक्शन की हेल्प से। कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूं कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। मुझे प्रूव करना है, कंट्रडिक्शन से प्रूव करना है, तो मैं क्या मानूंगा कि भैया क्लोज लूप बनाती है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। और अगर क्लोज लूप बना रही है तो उनके लिए फिर ई डॉट डीएल कितना आना चाहिए? जीरो। अगर ई डॉट डीएल जीरो आ गया तो फिर तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी। और अगर ई डॉट डीएल जीरो नहीं आया, यानी कैसा आया? नॉन जीरो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने क्लोज लूप में ली है, कौन सी? कंजर्वेटिव। वो वास्तव में कंजर्वेटिव नहीं होंगी, वो कौन सी होंगी? नॉन कंजर्वेटिव। बात बिल्कुल क्लियर है? तो देखिए, हमने मान लिया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए, हमने मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का हर जगह पर ई माना। क्लियर? यहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहां पर रखें तो उस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, कितना? ई। अच्छा जी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा, मान लो वो यहां डीएल चला, कितना चला? डीएल। तो डीएल टेंस टू, अगर हम जीरो ले रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? ये। तो ये डीएल वैक्टर और ई वैक्टर दोनों ही ए की डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया इनके लिए? जीरो। तो अगर मैं ई डॉट डीएल यहां पर फाइंड करूं, ई डॉट डीएल कितना है? ठीक है, तो ई डॉट डीएल यहां पर अगर हम फाइंड करेंगे तो ई डॉट डीएल बराबर आएगा ई डीएल कॉस जीरो। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, मैं पूरे पाथ को डीएल 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 इनमें तोड़ रहा हूं, तो अनंत डीएल में ये पूरा पाथ तोड़ा जा सकता है। अरे यहां से तक पूरा पाथ अनंत डीएल में तोड़ा जा सकता है। सारे डीएल को जोड़ दो यानी इंटीग्रेशन कर दो, लो जी सर्कल लगा दिया, यानी कि पूरे पाथ को इंटीग्रेट कर दिया, यानी क्लोज पाथ बन गया तुम्हारा। तो ये आ गया इंटीग्रेशन, ई डॉट डीएल इज इक्वल टू, यहां पर आएगा इंटीग्रेशन। देखो ई ये मैग्नीट्यूड है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, बाहर आ गया तो सर्कल में ये क्या बन गया? डीएल। तो यहां से क्या बनेगा? ई इंटू इंटीग्रेशन डीएल, का मतलब कि सारे जितने भी ये डीएल 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 ये पूरे पाथ पर जितने भी आपने लिए हैं, अनंत एलिमेंट लिए हैं आपने, सबको जोड़ दो। तो जब सब डीएल को जोड़ेंगे तो वो तो भाई साहब ये सर्कमफ्रेंस बनेगी। अरे पूरा सर्कल ही तो बन गया, सारे डीएल को जोड़ोगे तो पूरा पाथ ही तो बना, क्योंकि पूरे पाथ को ही तो हमने अनंत डीएल में तोड़ रखा है। तो ये पूरे पाथ की यहां से यहां तक लेंथ बताइए, मान लो ये सेंटर सर्कल का रेडियस आर, तो पूरे पाथ की जो लेंथ आएगी दैट इज 2πr। अब विचार करो, क्या ई जीरो है? नहीं। 2π नहीं, आर जीरो नहीं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ गया? इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई साहब, अगर ई डॉट डीएल नॉट इक्वल टू जीरो तो क्लोज पाथ कैसा होता है? कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव। तो ये तो कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन तुमने क्या माना है? कंजर्वेटिव। तुमने क्या माना है? कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब ये तुमने गलत मान लिया। अरे गलत माना नहीं माना, ये गलत मान लिया है। इससे ये प्रूव हो गया कि अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस को क्लोज लूप की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने क्लोज लूप की फॉर्म में कंसीडर किया है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, तो वो क्या देगी? ई डॉट डीएल नॉन जीरो, और ई डॉट डीएल नॉन जीरो इंप्लाइज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइन, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइन। क्लियर हो गई? तो ये कैसी फील्ड लाइन है? नॉन कंजर्वेटिव। कैसी हो गई? नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइन। क्लियर? क्या ये कंजर्वेटिव है? नहीं है। आपने कैसी मानी थी? कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब आपने गलत मानी है, इसका मतलब कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बना सकती। प्रूव कर दिया। दूसरे और भी आसान तरीके से अगर करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स लेकर के। हमने मान लो कि यहां पर कितना चार्ज लिया? क्यू कूलम। अरे कितना चार्ज लिया? क्यू कूलम। फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स
जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। उसके द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क क्या आना चाहिए? जीरो। अब देखो हमने मान लिया कि ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां पर फोर्स कितना लग रहा है? क्यू इंटू वी। इस फोर्स की वजह से क्यू चार्ज कितना चला? डीएम। तो थोड़ा सा वर्क कितना आया? डी डब्ल्यू। क्यू इंटू ई डॉट डीएम, अब यही तो आया। तो पूरे राउंड ट्रिप यानी इस चार्ज को यहां से लेकर के वापस हम यहीं ले आए दोबारा, तो राउंड ट्रिप में टोटल वर्क कितना किया है? इंटीग्रेशन कर दो। तो अगर ये वर्क डन जीरो है, अगर ये वर्क डन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा आएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से देखो टोटल वर्क डन कितना आएगा? क्यू बार आ गया ई डॉट डीएल, तो ये आएगा ई डीएल कॉस थीटा। थीटा कितना है? जीरो। तो क्यू इंटू ई इंटीग्रेशन डीएल, ये टोटल वर्क आया। तो कितना आएगा? क्यू इंटू ई इंटू टू पाई आर, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या प्रूव हुआ? यहां से ये प्रूव हुआ कि भाई साहब अगर आप इस पाथ को क्लोज कंसीडर कर रहे हैं और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क निकाल रहे हैं तो वर्क डन क्या आ रहा है? नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? कैसा हुआ इसके हिसाब से? तो नॉन कंजर्वेटिव, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब यह कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्लोज लूप बना रहे हैं तो भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा हो गया? नॉन कंजर्वेटिव, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। कंट्रेडिक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्रिएट नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की है। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव। हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव। बात क्लियर हो गई? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो ऐसा हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिज्म की अगर हम चर्चा करें तो मैग्नेटिज्म में आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, क्या वो दोनों ही कंजर्वेटिव होते हैं या एक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? तो इसके बारे में अलग अलग ऑथर्स की अपनी अलग अलग राय है। जब हम मैग्नेटिज्म की चर्चा करेंगे तो वहां पर इस चीज को लेंगे। तो आप अभी विचार ना कर लें कि जो बच्चे मान लो प्लस टू कर चुके हैं उनके माइंड में आ रहा होगा कि सर ने बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, तो क्या मैग्नेटिज्म में भी ऐसा होगा? मैग्नेटिज्म में अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग राय है। जब मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो उस टाइम उस चीज को डिस्कस करूंगा। ये बात बिल्कुल क्लियर आपको हो जानी चाहिए। क्लियर? देखिए एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जैसे मान लो हम फील्ड लाइंस की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं? हमने मान लो क्यू कूलम का चार्ज लिया, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इसके चारों ओर ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक है, फील्ड क्रिएट हो गया, बहुत बढ़िया। इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया ये फैराडे ने एक सिर्फ कंसेप्ट दिया है, जबकि वास्तव में इस तरह की कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात क्या है, मान लो कि ये चार्ज जो क्यू है, मैंने यहां पर क्यू इज इक्वल टू वन कूलम लिया, तो एक बच्चा क्या कर रहा है, यहां इस वन कूलम से निकलने वाली फील्ड लाइन का नंबर 10 मान रहा है। क्यू इज इक्वल टू वन कूलम से कितनी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी मानी है, 10। एक बच्चे ने क्या किया कि वही एक कूलम से निकलने वाली जो लाइन का नंबर माना है वो 5, दूसरे ने क्या किया कि एक कूलम से निकलने वाली लाइन का नंबर माना है 100, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 100। तो इनमें कौन सही है? एक ने एक कूलम से निकलने वाली लाइंस कितनी मानी है 10, एक ने कितनी मानी है 5 और एक ने कितनी मानी है 100। इनमें सही कौन है? सभी सही है, गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि ये कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, मैंने आपको बताया फील्ड लाइंस तो आती नहीं है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। तो एक बच्चा अगर मान लो ये मान के चल रहा है कि एक कूलम से 10 लाइन बाहर आ रही हैं, दूसरे ने माना कि 5 लाइन आ रही हैं, तो तीसरे ने माना कि 100 लाइन आ रही है, तो वो पूरी थ्रू आउट जब तक भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कशन कर रहा है, चर्चा कर रहा है, तो उसको अपना ये पैरामीटर चेंज नहीं करना। पूरी कैलकुलेशन में इस वाले को हमेशा यही मानना 10 लाइन आ रही है, तो 10 के हिसाब से वो आगे कैलकुलेशन करेगा। उसने मान लिया कि एक कूलम से 10 आ रही है, अब मान लो कि उसने देखा कि भाई मेरे पास तो 5 कूलम का चार्ज है, कितना चार्ज है 5 कूलम, तो फील्ड लाइन इन्हीं के प्रोपोर्शन में जाएंगी, जैसे एक कूलम से 10
सो पांच कूलम से कितनी जाएंगी? 50। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी हो गई? 50। इसके लिए भाई कितना आएगा नंबर? अगर मान लो इसने एक कूलम की जगह इसने भी पांच कूलम लिया, तो इसके लिए कितनी जाएंगी? एक कूलम से पांच, तो पांच कूलम से कितनी जाएंगी? तो इसका जो नंबर आएगा वो 25। और ये अगर चर्चा करें कि भाई साहब पांच कूलम से कितनी जाएंगी, तो ये एक कूलम से कितनी मांग रहा है? 100। तो ये कितना लेगा? 500। यानी कि फील्ड लाइंस जो बाहर हम कंसीडर करते हैं वो चार्ज क्यू के प्रोपोर्शन में लेते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। मोर इज द चार्ज, मोर इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक कूलम से आने वाली ये फिक्स नहीं है, ये अलग अलग लोग अलग अलग अपना मान सकते हैं, अलग अलग लोग अपने अलग अलग कैलकुलेशन में मान सकते हैं, बट जो उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया है थ्रू आउट पूरी कैलकुलेशन में उसको वही एजम्पशन लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फील्ड लाइंस बाहर आती हैं किसी भी चार्ज से वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे कि एक कूलम से 10 तो पांच कूलम से 50। ऐसा कब हुआ? जब एक कूलम से 10 मानी है तो पांच कूलम से 50। इसने एक कूलम से 5 मानी है तो 5 कूलम से 25। इसने एक कूलम से 100 मानी है तो 5 कूलम से 500। तो ये 50 के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, ये 25 के सॉरी ये 10 के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, ये 5 के हिसाब से और ये 100 के हिसाब से। बात क्लियर होगी? ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हमें एक्चुअल में करना तो इसी में था डिस्कस कि पॉइंट चार्ज की वजह से आप दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या एक हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करा रहे हैं तो कितना उसका पाथ कैसा होगा, ये सारी चर्चा इसी लेक्चर में करनी थी, लेकिन इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर को हम इसी जगह पर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स जरूर करें, लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।